सन ऑफ मॉलर जजमेंट सी वो तो उसकी तुम्हारी बातचीत ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हुई। सेकंड वॉज जो सेकंड प्रोजेक्ट है दैट आई एम गोना बी डूइंग एज अ डायरेक्टर एंड एज अ 50% पार्टनर इन द नेक्स्ट फिल्म इंशाल्लाह। मैं सुल्तान राई के अंदाज में नहीं आप नजर आएंगे इंशाल्लाह, बूजी के अंदाज में आपको फिल्म के एंड के आसपास। लेकिन पहले ये पूछेंगे कि ताखीर की वजह क्या बनी? मैं एक्चुअली पाकिस्तान में था नहीं, आई वाज आउट ऑफ कंट्री, तो बस 6 मंथ्स थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन इंशाल्लाह रेडी है फॉर रिलीज अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन है इस फिल्म में? मेन टाइटल उसका मैं ही कर रहा हूँ, बाबुल वीर का बहन भाई की कहानी है, बाकी तो कास्ट सारी नहीं है। इसमें जो सेकंड पेयर पे कर रहे हैं वो हैं अपना भट्टी साहब जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, और साथ हीना शाहीन है इसमें फिल्म में। कैसा हीना शाहीन का मैं कम बैक है इस फिल्म में कह सकते हैं आप? बिल्कुल कम बैक उनका है और एक बहुत अच्छी फैमिली स्टोरी है। अच्छा, मतलब जो रिवायती अंदाज है उसी अंदाज में आप नज़र आ रहे हैं या कोई हट के नज़र आएंगे इस फिल्म में? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है फिल्म के बिल्कुल एंड के पोर्शन में जाके थोड़ा सा, ये जो पोस्टर्स देखने लगे हुए हैं वो एंड पे जाके थोड़ा सा, पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा कोई बैलेंस नहीं है, बहुत सेंटीमेंटल और एक इमोशनल फिल्म है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आपका एक टाइटल रोल जो है वो पहली बार है इस फिल्म में या फिर इससे पहले भी आपने टाइटल रोल किया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पहले 2008 में आई थी मुर्शद बादशाह, दैट वाज माय फर्स्ट टाइटल फिल्म। उसके बाद फिर मेरी आई थी स्टारी डोगर लगी थी लास्ट ईयर, और अब ये आ रही है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक और आने वाली है। इस मतलब आप कह लें कि थर्ड टाइटल फिल्म। ठीक है, तो अभी पंजाबी फिल्मों के अलावा आप उर्दू की तरफ क्यों नहीं आ रहे? वो कब रुझान होगा उसका, क्योंकि उर्दू की मार्केट भी नो डाउट है तो सही ना, आपने कराची अगर लगानी है, ये जो पंजाबी फिल्में होती हैं ये सिर्फ लाहौर के मखसूस सिनेमाज में लगती हैं इसकी? असल में ये क्वेश्चन आपको ना प्रोड्यूसर से करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने वो बनाते हैं ना, हम तो हमेशा उनको सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंट कुछ सब्जेक्ट लेकर आएँ, लेकिन वो कहते हैं पंजाब में पंजाबी ही बनानी है। अच्छा। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि दोनों बननी चाहिए, ऑब्वियसली बात है बड़ी मार्केट है उर्दू की देखा जाए, लेकिन अगर ये बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, पहले भी बनती नहीं लाहौर में, ऐसी बात तो नहीं है, तो बननी चाहिए मेरे हिसाब से उर्दू। अच्छा, बाबुल वीर आपके वालिद साहब जो सुल्तान राही साहब हैं उनकी किस फिल्म से रिलेट कर रही है, कोई उसका सीन या कोई आपका अंदाज? नहीं नहीं नहीं, वो असल में बाबुल वीर से वो लग रहा है कि बाबू सद के तेरे से कुछ उठाया होगा, सर टोटली डिफरेंट स्क्रिप्ट, और लेकिन इसमें सेंटीमेंट्स उनसे हैं वो बाप बेटी के थे उसमें, इसमें बहन भाई के हैं, बस इतना फ़र्क है। ऐसे तो हमें सुल्तान राई के अंदाज में नहीं आप नज़र आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह अबू जी के अंदाज में आपको फिल्म के एंड के आसपास नहीं भी नज़र आएगा, बीच में भी थोड़ा बहुत थोड़ा जगह जगह पे आपको अबू जी के जो एक एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने काम किया था, नॉट एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी बात है, आखिरी सवाल है, आप फिल्म खुद कब प्रोड्यूस करेंगे? खुद देखें, आई रियली वांट टू डू इट इंशाल्लाह। एक प्रोजेक्ट है, एक तो मेरी है हमारी एजेंसी सन ऑफ मॉलर एजेंसी है, वो तो उसकी तो हमारी बातचीत ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हुई है, बस प्रोड्यूसर का हमारा वेट है, हमारी कम्स बैक इंशाल्लाह। सेकंड ऑफ ऑल जो सेकंड प्रोजेक्ट है दैट आई एम गोना बी डूइंग एज अ डायरेक्टर एंड एज अ 50% पार्टनर इन द नेक्स्ट फिल्म इंशाल्लाह, जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं अभी पहले बिफोर अर्ली अनाउंसिंग करना चाहता, वो आप सब दोस्तों को बुलाएंगे इंशाल्लाह और प्रॉपर्ली इसको अनाउंस करेंगे। जो सोली प्रोजेक्ट है आपका जो खुद से आप कर रहे हैं वो सन ऑफ मॉलर जट ही है? सन ऑफ मॉलर जट है, और दूसरी जगह बता रहा हूँ, ये दो फिल्में ऐसी हैं, ये इंशाल्लाह एक बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म हैं दोनों इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। और हैदर सुल्तान साहब ने बड़ी अहम बातें की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ईद के मौके पर उन्होंने अपने मदाओं को बताई है कि सन ऑफ मॉलर जट पर वो खास तौर पर काम कर रहे हैं, जिसकी रिलीज़ और जिसकी मेकिंग का ऐलान जो है वो जल्द कर देंगे।